नगर हाट पिपलिया के एक निजी भवन में हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य को लेकर हिंदी विकास सुलेख समिति इंदौर के बैनर तले समिति प्रमुख श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अतिथि के रूप में पधारे सांसद प्रतिनिधि प्रवीण चौधरी, ज्योतिषाचार्य कन्हैया लाल सोनी, पार्षद हारून मंसूरी, सदर एहसान मंसूरी, सदर साबिर पठान सहित सभी अतिथियों का स्वागत समिति अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने किया। सभी अतिथियों ने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि प्रवीण चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी हमारी आत्मा, प्राणवायु और पहचान है। हिंदी के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद सेतु बनाने वाले श्री श्याम सुंदर शर्मा के अथक प्रयास सराहनीय है। कार्यक्रम का संचालन शाकिर मंसूरी ने किया और आभार समिति प्रमुख श्याम सुंदर शर्मा ने माना। शाकिर मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आज नगर हाट पिपलिया में हिंदी भाषा को लेकर एक कार्यक्रम हुआ है, तो क्या विषय था और क्या रूपरेखा थी इस कार्यक्रम की? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को हिंदी के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए और हिंदी अपना गौरव वापस प्राप्त करे, इस दिशा में आज हाट पिपलिया में मुस्लिम समाज के सभी पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और सो मोटो हुए और उन्होंने हमें वचन दिया है कि हिंदी के लिए हम जिएंगे, हिंदी के लिए हम मरेंगे और यथाशक्ति तन मन धन से हिंदी विकास यात्रा के लिए हम पूरा का पूरा आपको साथ देंगे।